मेरा YouTube चैनल नाजिया किचन रेसिपीज। फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आज बहुत ही मज़ेदार वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन घर पर वेज मंचूरियन कैसे बनाएं और बना भी लें तो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट कैसे लाएं, इसलिए मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान मेथड के साथ में। मेरी वीडियोज़ को देखिएगा लास्ट तक, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे सबसे पहले। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमने ये 2 कप कटी हुई पत्ता गोभी ली है। पत्ता गोभी को हमें बारीक कट कर लेना है। कद्दूकस की हुई 2 गाजर ली हैं, 2 हरी प्याज ली हैं जिनको हमने बारीक कट कर लिया है, 1 कप कॉर्न स्टार्च लिया है, ये 5 से 6 बीन ली हैं जिनको हमने कट कर लिया है, 1/2 कप मैदा लिया है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक हमें टेस्ट के हिसाब से लेना है, 1 टीस्पून गर्म मसाला। सबसे पहले हमें मंचूरियन बॉल्स बनानी है, तो इसके लिए हमने पत्ता गोभी में हरी प्याज ऐड की हैं, ये ऐड की हैं गाजर, ये बारीक कटी हुई बीन ऐड की हैं, हरी मिर्च, मैदा, कॉर्न स्टार्च, गर्म मसाला, नमक। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। बॉल्स तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हमें सभी बॉल्स तैयार कर लेनी है। ये देखिए सभी बॉल्स तैयार हो गई हैं। मंचूरियन बॉल्स को हमें करना है फ्राई, तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है जिसमें हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म हो गया है तो बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। ये ऐड कर रहे हैं बॉल्स। हमने सभी बॉल्स ऐड कर दी हैं। साइड चेंज कर देते हैं, इससे दूसरी साइड से भी बॉल्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो गई हैं, गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इनको डिश आउट कर लेते हैं। बॉल्स को हमने एब्जॉर्बिंग पेपर पे निकाला है, इससे एक्स्ट्रा ऑयल पेपर पर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हमें वेज मंचूरियन की ग्रेवी तैयार करनी है। ये हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है जिसको हमने गर्म कर लिया है, ये ऐड किया है बारीक कटा हुआ लहसुन। जैसे ही लहसुन लाइट ब्राउन हुआ है तो हमने इसमें अदरक ऐड कर दिया है, अदरक भी बारीक कटा हुआ होना चाहिए। ये ऐड की है हरी प्याज, 1 से 2 मिनट इनको फ्राई कर लिया है। अब ऐड कर देते हैं हरा धनिया। एक टीस्पून चीनी ऐड की है, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको फ्राई करना है। ये ऐड की है 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून वाइट विनेगर, नमक टेस्ट के हिसाब से लेना है। ये 1/2 कप कॉर्न स्टार्च है, इसका इस्तेमाल ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। ये हमने ऐड कर दिया है। ये ऐड किया है 1 कप पानी, 2 टीस्पून चिली सॉस,
दो से तीन मिनट लो फ्लेम पर ग्रेवी को थोड़ा सा पका लेंगे और फिर इसमें मंचूरियन बॉल्स ऐड कर देंगे। क्योंकि हमें ड्राई वेज मंचूरियन बनाना है तो जो पानी हमने ऐड किया था उसको हमें खुश्क कर लेना है। चार से पाँच मिनट लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेना है। वेज मंचूरियन बिल्कुल तैयार है, गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। हरी प्याज को इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं, इससे ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वेज मंचूरियन बिल्कुल तैयार है, हो गया ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का वेज मंचूरियन घर पर ही तैयार। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।